हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ कोमल चंद्राकर। हम लोग पढ़ रहे थे फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में पढ़ रहे थे हम लोग फॉरेस्ट इकोलॉजी। जो टॉपिक है वो कौन सा है? फॉरेस्ट इकोलॉजी। फॉरेस्ट इकोलॉजी में हम लोग कंपोनेंट्स देख रहे थे, इकोसिस्टम के इंट्रोडक्शन देख लिए थे, देन कंपोनेंट्स देख रहे थे। तो कंपोनेंट्स में दो कंपोनेंट्स थे, एक था एबायोटिक कंपोनेंट और दूसरा था बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो अभी हम एबायोटिक कंपोनेंट देख रहे हैं। एबायोटिक में कल हो गया था लाइट, एटमॉस्फियर और टेम्परेचर। ठीक है, इसके बाद सॉइल, सॉइल हम लोग पढ़ चुके हैं फॉरेस्ट सॉइल में। ठीक है, वाटर, वाटर का भी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कौन सा वाटर यूज होता है। ठीक है, देन अब बचा है नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर, वो है फायर। कौन सा? फायर। देखो, फायर जो है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में भी आता है और फायर जो है फॉरेस्ट इकोलॉजी में भी आता है, तो मैं वहां पर ना बता करके यहाँ बता रही हूँ। ठीक है, प्रोटेक्शन की क्लास में मैं सिर्फ डिसीज और पैथोलॉजी बताई और अब फायर को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फायर, आग लग जाना, फॉरेस्ट में आग लग जाना। तो फॉरेस्ट में आग लगने के दो कारण होते हैं। एक होता है नेचुरल, ठीक है, प्राकृतिक तौर पे आग लगना, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल या मैनमेड। आर्टिफिशियल, कृत्रिम या मैनमेड, मानव द्वारा निर्मित। ठीक है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल को अगेन क्लासिफाई करते हैं दो में। एक होता है प्रेस्क्राइब्ड या नॉन इंटेंशनल, नॉन इंटेंशनल, और दूसरा होता है इंटेंशनल। देखो, अगर आग, जंगल में आग नेचुरली लग रहा है, प्राकृतिक तौर पर लग रहा है, तो वो होगा नेचुरल फायर। और आर्टिफिशियल मतलब नेचुरली ना लग करके आर्टिफिशियली लग रहा है, ह्यूमन बींग्स के द्वारा लग रहा है, तो वो होगा आर्टिफिशियल या मैनमेड फायर। अब आर्टिफिशियल या मैनमेड फायर दो तरीके का होता है। एक होता है नॉन इंटेंशनल, मतलब हमारा कोई उद्देश्य नहीं था आग लगाने का, लेकिन लग गया। रीजन क्या है? ह्यूमन बींग्स का लग गया। ठीक है, और एक होता है इंटेंशनल, हमने जानबूझ के फॉरेस्ट में आग लगाया है। ठीक है, नॉन इंटेंशनल में क्या क्या आएगा? जैसे कभी हम गए पिकनिक बनाने, ठीक है, किसी फॉरेस्ट एरिया पे हम गए पिकनिक बनाने, वहां पर खाना बनाए, बनाते बनाने के बाद में हमने खाना खाए, पिकनिक का सामान उठाया और आ गए, आग को वहीं छोड़ दिए, जलता हुआ चिंगारी को छोड़ दिए। तो क्या होगा? जब वहां से हवा बहेगा, सूखे पत्ते के साथ में आएंगे, तो वो आग जो है वो एक वास्ट रूप ले लेता है, उस कारण से आग लग जाता है, पहला रीजन। दूसरा क्या होता है? जंगलों के बीच से जो ट्रेन जाता है, ठीक है, जंगलों के बीच से ट्रेन जाते हैं, है ना, तो देखना ट्रेन में, अभी तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन पहले क्या होता था, ट्रेन में कोयला से जलता था। ठीक है, कोयला डालते थे इंजन में, गदर मूवी में दिखाया है, देखना कोयला डालते, तो कोयला जब इंजन में डालते तो इंजन के अलावा बाहर भी निकलता है, तो जलता हुआ कोयला किसी फॉरेस्ट एरिया में चल जाता है, उसको रॉ मटेरियल के फॉर्म में, ईंधन के फॉर्म में उसको पत्ते मिल जाते हैं और उससे आग लगता है। वो भी हमारा उद्देश्य नहीं था, लेकिन वहां हो गया, किसके कारण से? तो हमारे वजह से हुआ, ये रीजन है। क्या होता है, कभी कोई गांव वाले हैं, सिगरेट फूंकते फूंकते चले गए, सिगरेट फूंकते फूंकते चले गए और फूंकने के बाद ऐसे ही छोड़ दिए, ठीक है, तो उससे भी आग लग जाता है। मतलब हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन फिर भी आग लग रहा है, तो वो होगा नॉन इंटेंशनल। ठीक है, इंटेंशनल में क्या आएगा? फायर ब्रेक। ये क्या होता है मैं बता रही हूँ अभी। फायर ब्रेक, फायर ब्रेक क्या है? एक टूल है, एक औजार है, किस लिए? जो वाइल्ड फायर है, किस वाइल्ड फायर मतलब जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अनकंट्रोल्ड फायर है, उसको लगने से पहले बचाने के लिए, मतलब अगर किसी जंगल में आग लगने की संभावना है तो उसमें फायर ब्रेक्स बनाया जाता है। ये फायर ब्रेक्स क्या होते हैं? देखो, सपोज ये एक फॉरेस्ट है, ठीक है, इस फॉरेस्ट में ऐसे ट्रीज है जो रेसिन सिक्रीट करते हैं, रेसिन मैं बताई हूँ आपको, ठीक है, ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। ठीक है, ऐसे ट्रीज है जो रेसिन सिक्रीट करते हैं, जैसे कि पाइनस,
साल, नीम, ठीक है, इस सब में रेसिन्स निकलते हैं जो कि ज्वलनशील होते हैं। ठीक है, सपोज ये जंगल है, इस जंगल में तीन प्रजाति बहुल मात्रा में प्रेजेंट है। अब सूखा या मौसम आता है, जब पतझड़ का मौसम आता है, सारे पत्ते जो है झड़ जाते हैं, सूखे हो जाते हैं, सूख करके झड़ जाते हैं, मतलब क्या करते हैं, एक तरीके से रॉ मटेरियल का काम करते हैं। तो इसमें क्या होंगे, पूरे पत्ते इस पे पूरे बिखर जाएंगे, है ना, ये पूरे पेड़ के नीचे नीचे में पत्ते आ जाएंगे। अब ये पत्ते में अगर कहीं से भी किसी भी कोने से अगर आग लगा, चाहे वो पत्थर के घर्षण से हो, चाहे आपस में पेड़ जब आपस से पेड़ सूखे पेड़ जब आपस से टकराते हैं तब भी उससे आग लगता है, वो नेचुरल प्रोसेस में आएगा। कभी पत्थर बहुत देर से घसीटते हुए आ रहा है पहाड़ी एरिया से, ऐसे रोल करते हुए आ रहा है, तो उसमें घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन के कारण से क्या होगा, उसमें चिंगारी उत्पन्न होगी। तो किसी भी कंडीशन से अगर किसके किसी भी एरिया पे अगर आग लग गया, मान लो यहाँ पर आग लग गया, तो ये आग बढ़ते 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 पूरे फॉरेस्ट को नष्ट कर देगा। ठीक है, कभी बिजली ही गिर जाती है, ठीक है, आसमान से बिजली गिरती है तो भी पूरा फॉरेस्ट नष्ट हो जाता है। तो इस ऐसे एरिया पे जहाँ पर ऐसे ट्रीज लगे हुए हैं जो कि ज्वलनशील हैं, बहुत जल्दी जल जाते हैं, उनमें रेसिन्स मिलते हैं, तो ऐसे जगह पे हम फायर ब्रेक्स बनाते हैं। फायर ब्रेक्स क्या है, हम फायर फॉरेस्ट को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं ऐसे, ठीक है, कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। और जो ये रोड होगा, ये वाला एरिया होगा, यहाँ पे जितने भी पत्ते होंगे, सूखे पत्ते होंगे, उसको जला दिया जाएगा, और यहाँ के पत्ते को झाड़ू लगा के साफ कर देंगे, इधर भी साफ कर देंगे, और इस यहाँ के जितने पत्ते थे उसको सेंटर में ला करके इकट्ठा करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ के पूरे पत्ते साफ हो गए, यहाँ के पत्ते साफ होके सेंटर में जगह दिए, मतलब ऐसे कर दिए, और यहाँ से भी ऐसे कर दिए, तो बीच में पूरे पत्ते इकट्ठा हो गए, वैसे ही इधर कर दिए, वैसे ही इधर कर दिए, है ना, इस तरीके से, मतलब ये जो है, ये वाला पोर्शन जो है, ये फायर ब्रेक बन जाएंगे। अब क्या करेंगे, इस पे हम आग लगाएंगे, इस पे हम आग लगाएंगे, आग जो रहेगा वो कंट्रोल्ड रहेगा, ठीक है, कंट्रोल्ड फायर रहेगा। इस पे क्या करेंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो स्टाफ्स होते हैं, ACF, रेंजर, फॉरेस्ट गार्ड्स, ये सब इनके निगरानी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आग लगा देंगे, आग लगाएंगे तो क्या होगा, रॉ मटेरियल सिर्फ यहाँ पर है, सूखे पत्ते कहाँ पर है, सिर्फ इस एरिया में है, यहाँ पर तो नहीं है, भले यहाँ पर है लेकिन यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसको कुछ तो सहारा चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वो नहीं है, तो आग जो है वो यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। ठीक है, जलने के बाद में राख बन जाएगा वो, लेकिन ये एरिया में सूखे हुए पत्ते, पूरे जंगल में तो हम झाड़ू नहीं लगा सकते, ठीक है, तो ये एरिया जो है, मान लो कभी कभी कोई इंसिडेंट की वजह से यहाँ पे अगर आग लगा, तो ये आग सिर्फ यहीं पर खराब करेगा, यहीं पर जलेगा, वो इस कंपार्टमेंट से इस कंपार्टमेंट तक नहीं आ पाएगा, इस कंपार्टमेंट से इस कंपार्टमेंट में नहीं आ पाएगा, इससे इसमें नहीं आ पाएगा, मतलब सिर्फ एक ही हिस्सा जलेगा, अगर नेचुरली हो रहा है या इंटेंशनली भी हो रहा है तो सिर्फ एक ही हिस्सा जलेगा, पूरे फॉरेस्ट को हम जलने से बचा सकते हैं, उसको कहते हैं फायर ब्रेक। तो फायर ब्रेक क्या है, कोई ब्रेक नहीं है, वो क्या है, फायर, एक तरीके से कंट्रोल्ड फायर के कारण से हम फॉरेस्ट को जलने से बचा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फायर ब्रेक से आता है, कौन से सीजन में किया जाता है, तो जस्ट पतझड़ के बाद, पतझड़ के पहले नहीं, बारिश के समय भी नहीं, कब होता है, जब पतझड़ हो जाता है, कब हो जाता है, तभी पतझड़ का सीजन चल रहा है, ये जनवरी फरवरी तक चलेगा, फरवरी मार्च अप्रैल, इन तीन सीजन में, सॉरी मार्च अप्रैल मई, तब तक जब बहुत तेज गर्म हो जाता है, तो फरवरी के एंड से मार्च अप्रैल तक फायर ब्रेक्स का काम किया जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। उसके बाद क्या होता है, गर्म हो जाता है मौसम, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ऐसे ही थोड़ा भी अगर चिंगारी पड़े तो आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये कब किया जाता है, तो पतझड़ के सीजन के बाद। ठीक है, अब फायर जो होते हैं उनके, आग पेड़ जंगल के किस हिस्से में आग लगा है, उसके अकॉर्डिंग फायर जो होते हैं वो फाइव टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फाइव टाइप्स के होते हैं, पहला होता है अंडरग्राउंड फायर। ठीक है, पहला है अंडरग्राउंड फायर। अंडरग्राउंड फायर मतलब ये जमीन है, जमीन के अंदर में जहाँ रूट्स है ना, वहां पर अगर आग लग रहा है, क्यों लगेगा, एक तो लावा के कारण,
ठीक है, लावा के कारण, या अंदर में जब ह्यूमस बनता है, ठीक है, जब पत्ते सड़ते हैं और ह्यूमस बनते हैं, ह्यूमस बनेगा तो यहाँ पर भी एक तरीके से टेम्परेचर रेस होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा, कभी कभी टेम्परेचर इतना रेस हो जाता है कि वो एक तरीके से आग का फॉर्म ले लेता है, ठीक है। अंडरग्राउंड फायर को हम बाहर से नहीं पहचान सकते, बाहर से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, रिमोट सेंसिंग से, जीआईएस से भी हम अंडरग्राउंड फायर को नहीं देख सकते कि यहाँ पर अंडरग्राउंड फायर लगा हुआ है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज कर देता है। देन सेकेंड है आपका ग्राउंड फायर, ग्राउंड फायर, ग्राउंड फायर मतलब जो सरफेस है, सरफेस ऊपर जो डेब्रिस लगा हुआ है उस पे अगर आग लगा है तो वो होगा ग्राउंड फायर। ग्राउंड फायर से जो रीजनरेशन है, रीजनरेशन मैं आपको बताई थी, ठीक है, रीजनरेशन मतलब सीड से नया प्लांट उग रहा है, अभी वो सीडलिंग स्टेज में है, ठीक है, इसको सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, किससे, ग्राउंड फायर से, ग्राउंड फायर से सबसे ज्यादा जो रीजनरेशन है उसको इफेक्ट होता है। और जो फॉडर प्लांट्स है, फॉडर प्लांट्स जैसे ग्रासेस है, कुछ छोटे छोटे हर्ब्स शर्ब्स है, उसको इफेक्ट होगा, लेकिन जो बड़े ट्रीज है, जो बड़े ट्रीज है उनको ग्राउंड फायर से कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। जो बड़े ट्री हैं जिनका क्राउन बहुत ऊंचा हो चुका है ग्राउंड से, तो उनको इससे इफेक्ट नहीं होगा। किसको इफेक्ट होगा, तो जो रीजनरेशन से या जो सीडलिंग से उनको इफेक्ट होगा। क्वेश्चन यही आता है कि ग्राउंड फायर कौन से लेयर को इफेक्ट करता है, तो कौन से लेयर को इफेक्ट करता है, तो रीजनरेशन स्टेज वाले जितने प्लांट्स होंगे उसको, सीडलिंग्स को इफेक्ट करेगा, बट ट्री जो कंप्लीट ट्री बन चुका है, मैच्योर हो चुका है, उसको कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। कौन, तो ग्राउंड फायर, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका क्रीपिंग फायर, नेक्स्ट है ग्राउंड फायर, सेकंड हो गया, देन थर्ड क्रीपिंग फायर। क्रीपिंग फायर मतलब रेंगने वाला फायर, आग यहां लगा, यहां मान लो बहुत सारे पत्ते फैले हुए हैं, ठीक है, आग गलती से यहां लग गया, अब वो धीरे से यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, इस तरीके से वो आगे आगे बढ़ते जाएगा, ऐसे फायर को कहते हैं क्रीपिंग फायर। क्रीपिंग फायर का डैमेज कितने हद तक वो नुकसान पहुंचाएगा डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट में रॉ मटेरियल उसको प्रोवाइडेड है। अगर रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा है तो आग की लपटें बड़ी होंगी, ज़्यादा इफेक्ट करेगा, अगर रॉ मटेरियल कम है तो आग की लपटें कम होगी, ठीक है। क्रीपिंग फायर से भी क्वेश्चंस कभी नहीं पूछा गया अभी तक। देन फोर्थ है बहुत इंपॉर्टेंट, फोर्थ है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है सरफेस फायर। क्या है, सरफेस फायर। देखो सरफेस फायर और ग्राउंड फायर को कंपेयर करते हैं। ग्राउंड फायर जो था वो सिर्फ रीजनरेशन तक ही सीमित था, ये इसके ट्री पोर्शन तक अफेक्ट नहीं कर रहा था, बट सरफेस फायर जो होगा इसमें जो हर्ब शर्ब्स थे उसको भी जला रहा है, उसके कारण से इसके क्राउन को इफेक्ट कर सकता है, जलाएगा नहीं लेकिन जो झुलस देता है ना, झुलस जाएगा पेड़, ठीक है, जैसा क्राउन है वो झुलस जाएगा। जल देखना कभी पेड़ के नीचे अगर आप कचरा जलाते हो, पत्ते वगैरह जलाते हो, तो जो ऊपर का जो पेड़ का हिस्सा होता है नीचे वाला, वो झुलस जाता है, जलता नहीं है लेकिन झुलस जाता, मतलब कि अध जला टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो सरफेस फायर से जो ट्री है उसके क्राउन जो होंगे वो अनकम्प्लीटली बर्न होंगे, अनकम्प्लीटली या हाफ बर्न होंगे, ठीक है। ग्राउंड फायर से कोई इफेक्ट नहीं हुआ था, बट सरफेस फायर से इफेक्ट हो रहा है। और लास्ट है आपका फिफ्थ नंबर का, वो है क्राउन फायर। क्राउन फायर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि क्राउन फायर जो होगा वो हमेशा नेचुरली होगा, नेचुरल प्रोसेस से। कौन से प्रोसेस से, नेचुरल प्रोसेस से। क्राउन फायर जो होता है ये अनकंट्रोल्ड फायर के कैटेगरी में आता है, अनकंट्रोल्ड फायर की कैटेगरी में आता है। ये सारे जो है वो एक सीमित में, एक लिमिट में कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन क्राउन फायर को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्राउन फायर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर फायर ब्रिगेड्स वाले नीचे भी जा रहे हैं तो क्राउन तो ऊपर लगा हुआ है, हम कैसे उसको तक पहुंचेंगे, ठीक है। क्राउन फायर अनकंट्रोल्ड फायर है, और ये किस वजह से होता है, तो ज्यादातर ये नेचुरल प्रोसेस से वजह से होता है,
ठीक है। तो ये हो गया फायर। फायर में बाद जहां पर फायर लगा है उसके बाद जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा वो होता है लाइकेन। ठीक है, जब फायर लगा है, आग लगा है, आग लगने के बाद पूरे रीजनरेशन नष्ट हो गए, नष्ट होने के बाद जो सबसे पहला प्लांट वहां रीजनरेट करेगा वो कौन सा होगा, तो लाइकेन। लाइकेन क्या है मैं बताई हूँ, फंगस और अलगी का एसोसिएशन है। ठीक है, ये हो गया फायर। देन इकोलॉजी का एबायोटिक फैक्टर ऑलमोस्ट खत्म। अब पढ़ते हैं बायोटिक फैक्टर, बायोटिक कंपोनेंट। कौन सा? बायोटिक। बायोटिक मतलब जो जीवित है। तो जीवित है कौन कौन सा? पहला तो प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर और तीसरा है डिकम्पोजर। ये सब आप लोग इकोलॉजी में, इन्वायरमेंट में भी पढ़ चुके हैं तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर्स में ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स आएंगे जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं हम ऑटोट्रॉफ्स, स्वपोषी। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम रखेंगे प्रोड्यूसर्स में। अब प्रोड्यूसर्स में ऑटोट्रॉफ्स खुद बना रहे हैं। ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं एक तो फोटोट्रॉफिज्म, फोटो सिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, और दूसरा होता है कीमोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस केमिकल्स के द्वारा अपना भोजन बना रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम रखेंगे ऑटोट्रॉफ्स में। फोटोसिंथेसिस में आ जाएगा सारे ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, सारे ग्रीन प्लांट्स। और कीमोसिंथेसिस में आ जाएंगे कुछ बैक्टीरिया जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये सब किस में आएंगे? कीमोसिंथेसिस में आएंगे। है किसके? तो ये भी प्रोड्यूसर्स है। ठीक है, देन कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स जो होते हैं वो होते हैं एक तो प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरे होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, तीसरे होते हैं टर्शरी कंज्यूमर और चौथे होते हैं टॉप कंज्यूमर। ठीक है, तीन टाइप के, चार टाइप के कंज्यूमर्स होते हैं। कौन कौन से? तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब जो अपना खाना डायरेक्टली ले रहा है किससे? प्रोड्यूसर से। डायरेक्टली खा रहा है प्रोड्यूसर्स को, खाने के बाद वो अपना खाना ले रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहेंगे हम प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को हम हर्बीवोरस भी कहते हैं, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मतलब क्या हो गए? शाकाहारी, जो अपना खाना डायरेक्ट प्लांट से या प्रोड्यूसर से लेते हैं। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स मतलब कार्निवोरस, मांसाहारी। ठीक है, मांसाहारी जो हर्बीवोरस को फूड के फॉर्म में, खाने के, भोजन के फॉर्म में ग्रहण करते हैं। तीसरा हो गया टर्शरी कंज्यूमर, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मतलब वो शाकाहारी भी है और कार्निवोरस भी है, दोनों कंडीशन में है, तो वो होंगे टर्शरी कंज्यूमर। और टॉप कंज्यूमर मतलब ऐसे कंज्यूमर्स जो इन सबको खा रहा है लेकिन इसको कोई नहीं खा रहा है, इसको कोई नहीं खा रहा है, तो वो हो जाएंगे टॉप कंज्यूमर। वो खुद से अपना जीवन यापन करेंगे और अपने आप बीमारी से या नॉर्मली मर जाएंगे, मरने के बाद में वो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन उनको कोई और भोजन के फॉर्म में मार के नहीं खा रहा है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे टॉप कंज्यूमर्स। टॉप कंज्यूमर्स एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है क्या? टाइगर, लायन, ह्यूमन बीइंग, पीकॉक। ठीक है, लीगली इनको नहीं खा जा सकता। हाँ, इलीगली कोई खाते होंगे तो वो बात अलग है, लेकिन लीगली इनको नहीं खाया जा सकता। ठीक है, तो ये क्या होंगे आपके टॉप कंज्यूमर्स? हर्बीवोर्स,
कैट सॉरी काऊ डियर ये सब किस में आएंगे? हर्बीवोर्स में। कार्निवोर्स में क्या आएंगे? तो जो मांस खाते हैं। कार्निवोर्स में भी आपके लायन आएंगे, ठीक है, फ्रॉग आएगा, स्नेक आएंगे। टर्शरी कंज्यूमर में जो दोनों खाते हैं, दोनों खा रहे हैं, है ना, तो दोनों खाने वाले कौन है? एक है एंट है, हाउस फ्लाई है, ठीक है, इंसेक्ट्स है, वो टर्शरी में आएंगे या फिर ओमनिवोरस में आएंगे। और टॉप कंज्यूमर्स में आएंगे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको कोई भी नहीं खाता। एक क्वेश्चन जो लगातार आ रहा है वो क्या है? आईसीआर नेट में सब्जेक्ट एंटमोलॉजी में आया हुआ है, ठीक है, उसमें आया हुआ था कि मॉस्किटो, ये नेट में यूजीसी नेट में भी आया हुआ है, मॉस्किटो जो है वो क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शरी कंज्यूमर है या टॉप कंज्यूमर है? तो मॉस्किटो किस में आएगा? हम नॉर्मली क्या देखते हैं कि मॉस्किटो जो है उसको कोई और नहीं खाता, पहला चीज लॉजिक। दूसरा, मॉस्किटो ह्यूमन बींग्स का, मानव का खून पी रहा है, ठीक है, मानव क्या है? ओमनिवोरस है, उसको ले रहा है, ठीक है। तो हम क्या सोचते हैं कि मॉस्किटो क्या होगा? टॉप कंज्यूमर होगा, बट मॉस्किटो क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर, इसको नोट कर लेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। मॉस्किटो नॉर्मली पत्ते वगैरह से ही जूस पीते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन अगर उसको ह्यूमन बींग मिल जाता है तब वो ह्यूमन बींग को बाइट करके उससे एक्स्ट्रा जो डेजर्ट्स है वो लेता है, ठीक है। उनका मेन फूड क्या है? वो ग्रीन प्लांट से ले लेते हैं, लेकिन जो अलग से जो स्पेशल जो डिश होता है वो ह्यूमन बींग से, किसी कैटल से वो लेता है ब्लड के फॉर्म में, ठीक है। तो मॉस्किटो किस में आएगा? प्राइमरी कंज्यूमर में, याद रखेंगे, ठीक है। मॉस्किटो क्या आएगा? प्राइमरी कंज्यूमर में आएगा। और डिकम्पोजर्स, लास्ट में डिकम्पोजर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना सड़े गले पदार्थों से लेते हैं, तो वो होंगे डिकम्पोजर्स। वो क्या होंगे? डिकम्पोजर्स, जैसे बैक्टीरिया, फंगजाई, ये सब क्या है? डिकम्पोजर्स है। अब देखो, इससे एक क्वेश्चन और बनता है, थोड़ा डिटेल में हो रहा है, बायोलॉजी पोर्शन में आता है। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो कौन सा रिएक्शन करते हैं? तो एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिक रिएक्शन होता है। किसमें? प्रोड्यूसर्स में। एनाबॉलिक मतलब कि छोटे छोटे चीजों को मिला करके एक बड़ा चीज बनाना, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला करके कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, बड़ा चीज बना रहा है, तो क्या होगा? एनाबॉलिक रिएक्शन। प्रोड्यूसर्स किसमें होंगे? तो एनाबॉलिक रिएक्शन उसमें होंगे, ठीक है। कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स क्या करते हैं? बड़े चीज को डाइजेस्ट खाते हैं और खा के छोटे छोटे फॉर्म में डाइजेस्ट करते हैं, मतलब बड़े को छोटा कर रहे हैं, उसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है, कैटाबॉलिक रिएक्शन। और डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? ये भी कैटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं, ठीक है। बड़ा सा कोई जानवर है, ये धीरे धीरे सड़ रहा है, सड़ के धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में मिट्टी में मिल जा रहा है, हवा मिल जा रहा है, पानी मिल जा रहा है, तो वो क्या होगा? वो भी बड़े से छोटे में कर रहा है, तो ये क्या होगा? ये भी कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक कौन कर रहा है? तो सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर कर रहा है, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स क्या कर रहे हैं? तो कैटाबॉलिक रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा बायोलॉजी का पोर्शन था, लेकिन इससे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता दी। एक फूड चेन देख लेते हैं। फूड चेन, सपोज ग्रास है, ठीक है, ग्रास हॉपर है, टिड्डा इसको खा रहा है, फ्रॉग इसको खा रहा है, स्नेक बचपन से देखे हैं इसको खा रहा है, पीकॉक या वल्चर, ठीक है। तो ये हो गया प्रोड्यूसर, ग्रास क्या हो गया? प्रोड्यूसर। ग्रास ऊपर क्या हो गया? तो प्राइमरी प्रोड्यूस, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। फ्रॉग क्या हो गया? इसको खा रहा है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। इसको खा रहा है, तो ये हो जाएगा टर्शरी कंज्यूमर। और ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, तो ये हो जाएगा टॉप कंज्यूमर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है, टॉप कंज्यूमर को कोई भी नहीं खा रहा है,
अगर यहीं पर ये हो जाता, यही इकोसिस्टम चेंज हो जाता, ये हो जाता ग्रास ट्री, ठीक है, ट्री के बाद में ट्री को डायरेक्ट खा रहा है एलिफेंट, ट्री को डायरेक्ट खा रहा है एलिफेंट, तो ये तो प्रोड्यूसर है ही है, बट एलिफेंट यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर भी है और टॉप कंज्यूमर भी है, दोनों हो जाएगा एलिफेंट यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंपोनेंट्स, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स। देन इकोसिस्टम जो है वो पूरे वर्ल्ड के इकोसिस्टम को अगर हम देखेंगे तो इकोसिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल प्राकृतिक और एक होता है आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम, ठीक है। नेचुरल में होता है टेरेस्ट्रियल भूद जमीन वाला और दूसरा होता है एक्वेटिक पानी वाला, ठीक है, जलीय। वैसे ही इसमें भी होगा टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, ठीक है। देखो नेचुरल इकोसिस्टम में जमीन में कौन कौन से इकोसिस्टम आएंगे, तो सबसे पहले हम फॉरेस्ट का देखते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, देन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, देन डेजर्ट इकोसिस्टम, फोर्थ डेजर्ट इकोसिस्टम के बाद में हो गया आपका ये सब लैंड में कोल्ड डेजर्ट, फिफ्थ सवाना, ऐसे जहां जहां पर लैंड में इकोसिस्टम चल रहा है तो वो होगा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या हो जाएगा, जहां पानी पानी कैसे होंगे, या तो फ्रेश होंगे, मीठे पानी का होगा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, और एक होगा मराइन वाटर खारा पानी का, मराइन वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर में क्या क्या आ जाएगा, तो आपका नदी आ जाएगा, रिवर, लेक आ जाएगा, पॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये किस में आएगा, फ्रेश वाटर में मीठे पानी का इकोसिस्टम। और मराइन में क्या आएगा, तो आपका सी आएगा, ओशियन आएगा, ग्लेशियर आ जाएगा, ग्लेशियर मतलब जो बर्फ से निकलने वाली जो पानी होती है, बर्फ में जो इकोसिस्टम मतलब जमा हुआ पानी जो रहता है उसको कहते हैं ग्लेशियर, ठीक है। तो ये सब किस में आएंगे, मराइन वाटर इकोसिस्टम में आएंगे। वैसे ही आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में अगर लैंड का देख रहे तो क्या आएगा आपका सबसे बड़ा चीज, एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि एग्रीकल्चरल लैंड किस इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है, तो आर्टिफिशियल के भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आता है, ठीक है। आर्टिफिशियल है एग्रीकल्चरल लैंड को हम क्या कर रहे हैं, हम आर्टिफिशियली मेंटेन कर रहे हैं। देन सीड ऑर्चर्ड्स भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आएंगे। बॉटनिकल गार्डन जो हम बना रहे हैं, जू, ठीक है, देन जूलॉजिकल गार्डन भी किस में आएंगे, तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आएंगे, ठीक है। अब आर्टिफिशियल एक्वेटिक में क्या आएगा, तो आएगा आपका एक्वेरियम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आएगा, आर्टिफिशियल एक्वेटिक इकोसिस्टम में आएगा, ठीक है। और क्या आएगा, तो जहां पर हम मछली के बीज उत्पादन करते हैं, मतलब हम इंटरफेयर कर रहे हैं, फिशरीज कर रहे हैं, पीसी कल्चर कर रहे हैं, तो वो भी क्या आएगा, आर्टिफिशियल में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन इनसे उठता है, इससे नहीं पूछा जाता, नाम से ही क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि ये किस में आएगा, मैनमेड में आएगा कि नेचुरल में आएगा, तो ये सारे किस में आएंगे, आर्टिफिशियल में आएंगे, ठीक है। देन इसके आगे ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं, एक बार बस क्वेश्चन के जोन हमको पकड़ना है, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रही हूं। अब देखो मैं कल आपको बताई थी इकोटोन मतलब क्या होता है, कि
ऐसा ट्रांजिशन एरिया जहां पर दो इकोसिस्टम्स आपस में मिक्स होते हैं, मैं संगम होता है, ठीक है, उसको कहते हैं इकोटोन। ऐसे ही एक वर्ड है हॉट स्पॉट, क्या है, हॉट स्पॉट, क्या है, हॉट स्पॉट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हॉट स्पॉट ऐसा एरिया होता है जहां पर एंडेमिक स्पीशीज, कैसे स्पीशीज, एंडेमिक। जब मैं आपको सिल्वीकल्चर पढ़ा रही थी तब मैं आपको वर्ड बताई थी एंडेमिक और एक्सोटिक, दो वर्ड था एंडेमिक और एक्सोटिक। एंडेमिक मतलब ऐसे स्पीशीज जिसका उत्पादन हमारे कंट्री में, हमारे स्वदेशी है जो, ठीक है, उसको कहते हैं एंडेमिक। और एक्सोटिक मतलब ऐसे स्पीशीज जो किसी बाहर के देश से हमारे जगह पे लाया गया है, तो वो होगा एक्सोटिक स्पीशीज, वो होगा एक्सोटिक स्पीशीज, ठीक है, एक्सोटिक स्पीशीज। तो क्वेश्चन क्या आएगा, हॉट स्पॉट ऐसा एरिया जहां पर नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज ज्यादा होना चाहिए, वहां पर ऐसे स्पीशीज मिलने चाहिए जो कहीं और नहीं मिलते हैं, जो कहीं और नहीं मिलते हैं, ऐसे स्पीशीज की बहुलता होनी चाहिए, फ्लोरा भी होना चाहिए वहां पे और फौना भी होना चाहिए, मतलब कि प्लांट्स भी होना चाहिए और एनिमल्स भी होने चाहिए, वहां का एटमॉस्फेयर बाकी के जगह से अलग होना चाहिए। ये हॉट स्पॉट का टिपिकल कैरेक्टर है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हॉट स्पॉट हमारे इंडिया में कितने हैं, तो चार है, हमारे इंडिया में चार हॉट स्पॉट है। कौन कौन से, पहले दो ही थे, पहले दो थे, अब चार हो गए हैं, ठीक है। तो पहले दो कौन कौन से थे, तो एक था ईस्टर्न हिमालय और दूसरा था वेस्टर्न घाट। पहले ये दो थे, अब दो और जोड़ दिए गए हैं, कौन कौन से, तो इंडो बर्बन रीजन और चौथा है सुंडालैंड अंडमान निकोबार का एरिया होता है, ठीक है। ये चार हॉट स्पॉट है, इसको भी याद रखेंगे। अभी रिसेंट जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा हॉटस्पॉट नहीं है, तो ईस्टर्न हिमालय दिया था, साथ में वेस्टर्न हिमालय भी दिया था ऑप्शन में, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट और इंडो बर्बन लैंड, तो क्या नहीं था, तो वेस्टर्न हिमालय नहीं था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी टेस्ट सीरीज होता है, टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन आपको कॉमनली मिलता है, ठीक है, हॉटस्पॉट। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है, सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। इकोलॉजी का चैप्टर जो है थोड़ा सा बड़ा है, हमको बहुत कुछ इस पे पढ़ना रहता है, ठीक है। देखो इकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो एक पार्ट आता है, वो है एनर्जी फ्लो इन एंड इकोसिस्टम, ठीक है, एनर्जी फ्लो इन एंड इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो है ना, एनर्जी फ्लो कैसे होगा, तो जो सोर्स है, मेन सोर्स क्या है हमारे इकोसिस्टम का, तो वो है सन। अल्टीमेट सोर्स कौन है, तो सन। सन का 50% एनर्जी हमारे अर्थ तक पहुंचता है, लेकिन सिर्फ 2% एनर्जी ही जो है वो कन्वर्ट हो पाता है यूजफुल एनर्जी में, मैं कल लास्ट क्लास से बताई थी, ठीक है। 2% एनर्जी किस में कन्वर्ट हो पाता है, तो फोटोसिंथेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो पाता है, ठीक है। कौन करता है, तो प्रोड्यूसर्स करते हैं, कौन करते हैं, प्रोड्यूसर्स करते हैं, ठीक है। सन के 2% एनर्जी को यूज किए, अब इस प्रोड्यूसर्स को कौन खाएगा, तो प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा।
प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स को खाया तो इसके पास 100% एनर्जी था, 100% था, बट इस 100% में से जो 100% इसने खाया उसमें से सिर्फ 10% को वो स्टोर कर पाया, बाकी 90% को अपने एक्टिविटीज में यूज कर लिया। वैसे ही ये भी 100% में से सिर्फ 10% को स्टोर कर पाया और बाकी 90% को वो यूज कर लिया या वेस्ट कर लिया। मतलब इसके पास जो 100% एनर्जी था उस 100 में से सिर्फ 10 को ही उसने स्टोर कर पाया जो नेक्स्ट एनर्जी लेवल तक पहुंच सका। ठीक है, 10% को ही स्टोर कर पाया जो नेक्स्ट एनर्जी लेवल तक पहुंच सका, तो उसको कहेंगे हम, मतलब हर लेवल पे हमको सिर्फ 10% ही ट्रांसफर हो रहा है, 10% ही ट्रांसफर हो रहा है, मतलब 90% जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जा रहा है। ठीक है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया, सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया, फिर इसके पास जो 100% था उसमें से जो 10% कंज्यूम किया था वही वो यहां भेजेगा और बाकी 90% को वो वेस्ट कर देगा। देखो एग्जांपल, सपोज इसके पास में 100 बिस्किट्स है, 1000 बिस्किट्स थे के एनर्जी था, 1000 बिस्किट का एनर्जी था। अब 1000 बिस्किट के एनर्जी का 10% को ये प्रोड्यूसर्स रख पाया। ठीक है, मतलब कितना हो गया, 10% मतलब 100, बाकी 900 बिस्किट का जो एनर्जी था वो वेस्ट हो गया। अब ये 100 को इसने खाया तो इसके पास कितना एनर्जी बचेगा, सिर्फ 10 बिस्किट का, बाकी 90 बिस्किट्स के जो एनर्जी होंगे वो वेस्ट हो जाएंगे। फिर इसको कौन खाया, इसने खाया, तो उसके पास इसका 10% मतलब 1 बिस्किट का एनर्जी रहेगा, बाकी जो 9 बिस्किट्स है उसके एनर्जी वेस्ट हो जाएंगे। देन टर्शियरी कंज्यूमर आएंगे। ठीक है, तो इसके 10% मतलब 0.1% एनर्जी बस ट्रांसफर होगा, बाकी कहाँ चले जाएगा, 0.9% वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आएगा टॉप कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, उसके बाद आएगा टॉप कंज्यूमर, तो उसके पास भी और 10% जाएगा सिर्फ। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल पे एनर्जी कितना जा रहा है, सिर्फ 10% एनर्जी जा रहा है, सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो रहा है, बाकी 90% एनर्जी या तो यूटिलाइज हो जा रहा है या एनवायरमेंट में एस्केप हो जा रहा है या वेस्ट हो जा रहा है। मतलब एक एनर्जी टॉपिक लेवल से एनर्जी कितना जाता है, सिर्फ 10% ही जाता है। तो एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम में आएगा क्वेश्चन, तो दो ही क्वेश्चन बनेंगे, क्या कि सबसे ज्यादा एनर्जी किस लेवल पर रहता है, तो किस लेवल पर रहेगा, प्रोड्यूसर्स पे। सबसे ज्यादा एनर्जी किस लेवल पर रहेगा, तो प्रोड्यूसर्स पे। सबसे कम एनर्जी किसको मिलेगा, अगर टॉप कंज्यूमर दिया है सीरीज पे तो टॉप कंज्यूमर में, अदरवाइज टर्शियरी कंज्यूमर में सबसे कम एनर्जी, क्योंकि देखो इसके पास 100 बिस्किट का पावर था, इसके पास कितना है, 0.1 बिस्किट का भी पावर नहीं है। ठीक है, तो एनर्जी हमको अगर ज़्यादा चाहिए तो हमको फूड चेन को छोटा करना होगा। इसलिए कहते हैं डॉक्टर्स भी कि शाकाहारी होगे तो ज़्यादा एनर्जेटिक होगे, नॉनवेज खाओगे तो एनर्जी आपको कम मिलेगा और उसको डाइजेस्ट करने में हमको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है। ठीक है, तो शाकाहारी खाना चाहिए, नहीं कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, बट शाकाहारी में हमको इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर यही कहते हैं कि आप हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाएं, शाकाहारी खाना खाएं, नॉनवेज को अवॉइड करें जब तक कि आप फिट नहीं हो पाते। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। देन क्वेश्चन एक बनता है कि ये 10% लॉ को दिया किसने, साइंटिस्ट का नाम, तो लिंडमैन, याद रखेंगे लिंडमैन एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम को बताया और जो उस लॉ को दिया, उस लॉ को बोलते हैं 10% लॉ। ठीक है, 10% लॉ। एनर्जी इकोसिस्टम में जो एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल तक ट्रांसफर हो रहा है उसको एक लॉ के फॉर्म में दिया किन्होंने, लिंडमैन ने। क्या नाम दिया, 10% लॉ। क्यों दिया, क्योंकि हर लेवल पे सिर्फ 10% ही है नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है, बाकी 90% जो है वो वेस्ट हो जा रहा है, इसलिए इसको 10% लॉ भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होगा, तो प्रोड्यूसर्स का, और सबसे कम किसके पास होगा, तो डिकम्पोजर्स के पास होगा।
इसके बाद डिकम्पोजर्स आएंगे, ट्रेशरी के बाद टॉप आएंगे, टॉप के बाद फिर मर जाएंगे वो, तो डिकम्पोजर्स तो सबसे कम किसके पास होगा, डिकम्पोजर्स, ठीक है, ठीक है। तो हर टॉपिक्स लेवल्स में जो हम केमिकल कंज्यूम कर रहे हैं वो स्टोर होने लगेंगे, स्टोर होने लगेंगे, तो इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस में दिखेगा, तो ऊपर के कंज्यूमर्स में ज़्यादा दिखेगा, कंज्यूमर्स में, डिकम्पोजर्स में नहीं, ठीक है। तो किस पे दिखेगा, टर्शरी कंज्यूमर्स में सबसे ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा, और साथ या फिर टॉप कंज्यूमर्स में। ये जो इफेक्ट डिपोजिशन, जो केमिकल्स के डिपोजिशन के कारण, हार्मफुल केमिकल्स के डिपोजिशन के कारण जो इफेक्ट दिखता है टर्शरी कंज्यूमर्स में या टॉप कंज्यूमर्स में, टॉप के कंज्यूमर्स में, ठीक है, उनको कहा जाता है बायो मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है कि प्रोड्यूसर्स के पास कुछ ऐसे केमिकल्स एब्जॉर्ब कर लेता है जो कंटिन्यूस ईटिंग के कारण एक लेवल से दूसरे लेवल जा रहा है और मॉडिफाइड होते जा रहा है, और सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ देता है, तो टॉप के कंज्यूमर्स में। टॉप के कंज्यूमर्स में कौन आएगा, तो टर्शरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर्स उसमें आएंगे, ठीक है। तो बायो मैग्निफिकेशन का एक्सटेंट ऑफ डैमेज या हार्म करने का परसेंटेज कौन से लेवल में ज़्यादा होता है, ये क्वेश्चन आता है, तो किस में आएगा, या तो टॉप कंज्यूमर या फिर टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। 10% लॉ किसने दिया था, लिंडमैन ने दिया था, किसने दिया था, लिंडमैन ने दिया था, कब दिया था, तो 1942, कब दिए थे, 1942। कल मैं आपको बताई थी इकोलॉजिकल नीचे या नीच क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटेट होता है, जो उसका प्लेस होता है, उसको कहते हैं नीचे। ये वर्ड सबसे पहले दिया था जिरेल ने, ठीक है, जिरेल ने इसको सबसे पहले बताया था, क्लियर। तो ये हो गया आपका इकोलॉजी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड, जिससे क्वेश्चंस आते हैं, व्यापम क्या फेवरेट जोन है इकोलॉजिकल पिरामिड, और एक क्वेश्चन तो हर जगह पे पूछा जाता है, चाहे पीएससी हो चाहे कहीं पर भी, पिरामिड से रिलेटेड, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड हम लोग पढ़ेंगे, देन इसी बार पॉपुलेशन इकोलॉजी भी इसमें पढ़ेंगे, ओके। देन पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं, थैंक यू।